और सबसे पहले मैं कुमुंग पत्थर के गांव वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, गांव बुढ़ा को, गांव के जो युवा लीडर्स हैं, कि कुमुंग पत्थर का आज सब जगह अरुणाचल में नाम होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरे ईस्ट अरुणाचल में जीरो से लेके आपके लोंगडिंग तक ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर की प्लास्टिक से सड़क बन रहा है। तो हमने ईस्ट अरुणाचल में शुरू करके ये बता दिया है कि बहुत ही कम खर्चे में इस चीज को शुरू किया जा सकता है कि आपका जितना भी प्लास्टिक कूड़ा बन रहा है शहरों में गांवों में उसको हम सड़क में लगाएं। इसमें दो तीन खास बातें हैं। पहली बात है कि हमारा अरुणाचल का जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो इसकी वजह से जो सर ने बताया कि जो 12 टन प्लास्टिक हमको चाहिए होगा वो सिर्फ बोडुमसा से नहीं मिल सकता। तो हमारा जो अभी विजन है वो ये है कि ईस्ट अरुणाचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पासीघाट से लेकर लोंगडिंग तक, उन सारे डिस्ट्रिक्ट से हर महीने हमारे पास रेगुलरली प्लास्टिक आता रहे। क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट में अभी चीफ सेक्रेटरी सर ने बहुत रिसेंटली सेंक्शन किया है कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रक्स दिए जाएंगे, लैंडफिल साइट बनाएंगे और घर घर से दुकान दुकान से प्लास्टिक का और गीला कूड़ा कलेक्ट किया जाएगा। तो अब उस कूड़े के साथ वहां पर क्या होता है, हम अगर उनको ये ऑल्टरनेटिव दे दें कि आपका कूड़ा बोडुमसा में वेलकम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स यूजिंग वेस्ट प्लास्टिक, वी हैव अ टारगेट ऑफ अराउंड अबाउट 7 किलोमीटर ऑफ रोड, 3 किलोमीटर इन कानवाई एंड 4 किलोमीटर इन पासीघाट बोंगी पर। So we have a requirement of around about 12 tons. So we have to do this because I have shared a, I hope some of you have got this thing. This picture says it all. It's an albatross which was found around about 3000 kilometers from California coast. It has nothing to do with plastic, but in a remote island it was found birds like these are dying due to consumption of this plastic. Where is this plastic coming from? It is coming from our use only. We are using it, we are throwing it away without any consideration to the environment at all. So I am thankful to John Yadav. हमारे साथ में अभी खड़े हैं बोडुमसा के एडीसी डी यादव आईएएस ऑफिसर। तो मैं पूछना चाहूँगा सर को कि आज हम लोग यहाँ जो रास्ता बना रहे हैं प्लास्टिक से, जो सर वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर किया? ये ईस्टर्न अरुणाचल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ने अपना प्लास्टिक वेस्ट भेजा है। अभी तक हमको चांगलांग, नामसाई और लोहित डिस्ट्रिक्ट का प्लास्टिक वेस्ट मिला है। अराउंड 2 ट्रक्स ईच हर डिस्ट्रिक्ट ने भेजा है और इसी वीक में तिराप और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास वेस्ट आ रहा है। हमने बाकी ईस्टर्न एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स को भी कम्युनिकेशन भेजे हैं और होपफुली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर वीक और हर मंथ हमको रेगुलरली ये प्लास्टिक वेस्ट मिलता रहेगा, जिससे कि ये जो हमने श्रेडिंग यूनिट अपना कुमुंग पत्थर विलेज बोडुमसा में लगाया है इसमें रेगुलरली प्लास्टिक आता रहेगा। रेगुलरली प्लास्टिक आने से रेगुलरली NHIDCL और अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स इसको सड़क बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सर और मैं पूछना चाहूँगा सर, ये जो लोकल्स यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको क्या बेनिफिट होने वाला है ये प्लास्टिक रास्ता? ये जो प्लास्टिक श्रेडिंग का यूनिट लगा है ये कुमुंग पत्थर विलेज में लगा है, तो इस श्रेडिंग यूनिट को कुमुंग पत्थर की पंचायत रन करेगी। अभी जो हमने एरिया डिमार्केट किया है वहाँ पे इस प्लांट को जो लोग रन करेंगे वो लोकल गांव के यूथ होंगे जिसको कि पंचायत नॉमिनेट करेगी। और इसके अलावा ये जो प्लास्टिक जो श्रेडेड होगा इसको हम लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बेचेंगे। इसका रेट बिटुमेन के रेट से थोड़ा कम होगा, बट जो हम नॉर्मल मार्केट में प्लास्टिक जी हाँ सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा सर, ये जो आज प्लास्टिक रास्ता जो बना रहे हैं आपने बोडुमसा में, जो प्लास्टिक रास्ता आपका डिपार्टमेंट से सर जो बन रहे हैं, वो प्लास्टिक जो सर कितना क्वांटिटी में कितना किलोमीटर कवर करेगा? सबसे पहले एक हम लोग का जो एस्टिमेट है 7 मीटर वेट रोड के लिए हम लोग 2 टन पर किलोमीटर हम लोगों का रिक्वायरमेंट है। सर ये जो प्लास्टिक जो रास्ता बना रहे हैं इसमें सर लोकल्स का क्या प्रॉफिट होगा सर इसमें? ये एक्चुअली दिस इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय ADC बोडुमसा, वो लोकल को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो लोकल्स प्लास्टिक सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आके बोडुमसा में कलेक्ट हो रहा है और ये लोकल्स जो भी गांव वाले हैं दे आर ऑपरेटिंग दिस शेडिंग यूनिट, तो इनसे उनका हम लोग उनसे परचेज करेंगे ये शेडेड मटेरियल अपना रोड में यूज़ करने के लिए, तो इसके लिए उनका रेवेन्यू आएगा, उनका प्रॉफिट होगा इसका, तो वो गांव वालों के लिए डेफिनेटली
अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मिलता है।